हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आरजेडी बोली केजरीवाल भी मोदी जैसे अपनी शर्तों पर गठबंधन चाहते हैं, लेकिन विपक्षी बैठक ने नोटिस नहीं लिया। पटना में हुई देश भर के विपक्षी दलों की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की नाराजगी की सियासी गलियारों में चर्चा है। इस बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने शनिवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी शर्तों पर गठबंधन चाहते हैं, उनमें और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। विपक्ष की बैठक में नेताओं ने केजरीवाल की बातों को नोटिस में नहीं लिया, सभी नेताओं ने उन्हें इग्नोर कर दिया। दोस्तों, आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने एबीपी से बातचीत में शनिवार को विपक्षी एकता पर कई अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि यह बैठक सफल रही है, साथ ही उन्होंने माना कि अरविंद केजरीवाल नाराज होकर बैठक से उठकर चले गए थे। शिवानंद तिवारी ने कहा कि विपक्षी बैठक में केजरीवाल की अलग आवाज़ आई, हालांकि किसी ने नोटिस नहीं लिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनकी कोई बकत नहीं है। दोस्तों, तिवारी ने आगे कहा कि आप अपनी शर्तों पर विपक्षी गठबंधन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोकतंत्र को बचाया जाए, आप भी दूसरे ढंग से वही सवाल उठा रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि बैठक का एजेंडा वही है। केजरीवाल ने विपक्षी बैठक की शुरुआत में ही उस पर चर्चा की मांग कर दी, फिर उनमें और मोदी में क्या फ़र्क है, वे भी उसी तरह से तानाशाही चला रहे हैं, इसलिए सभी लोगों ने उन्हें इग्नोर कर दिया। दोस्तों, दिल्ली में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की आम आदमी पार्टी राज्यसभा में सभी विपक्षी दलों से समर्थन चाहती है। कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी दलों ने उनका समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। जब आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस अध्यादेश पर केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करती है तो वे आगे उसके साथ किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।